सब्सक्राइब कीजिए सीखो जानो टेक्निकल चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है और आप देख रहे हैं सीखो जानो टेक्निकल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास SBI का ATM आ चुका है और उसका पिन जनरेट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर पाएंगे। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि आप घर बैठे ATM पिन जनरेट कर सकते हो, कैसे करना है हम पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको हेल्प मिल सके और आप घर बैठे अपने ATM पिन जो होता है उसे जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप ATM पे जाते हैं और ATM पे अगर आपका पिन जनरेट नहीं हो पाता है या अगर आप घर से ही जनरेट कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है। दोस्तों अब इसकी जो प्रोसेस थी कुछ चेंज कर दिया गया है। पहले जो था ATM पिन आपको ATM के साथ मिल जाता था और उसके बाद से आप उसे मतलब चेंज करना होता था चेंज कर पाते थे, लेकिन दोस्तों अब पिन जो है आपको खुद ATM के जरिए बनाना पड़ रहा है या अगर नेट बैंकिंग हो उससे बनाना पड़ रहा है या अगर आप SMS के थ्रू बनाना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप जो ATM पिन होता है जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि SMS के थ्रू अगर आप अपने ATM पिन को जनरेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे और किस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। दोस्तों हम जो भी बताएंगे जेन्युइन बताएंगे और उससे आपकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों एक बात और आपको जानकारी दे दी कि आप अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी किसी को भी शेयर ना करें। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इस वीडियो को पूरा देख लेना है क्योंकि जो भी बताएंगे जेन्युइन बताएंगे, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आइए देख लेते हैं कैसे हम अपने ATM पिन को जनरेट करते हैं। दोस्तों पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आपको तो SMS बॉक्स में जाना होगा, अपने जो SMS बॉक्स होता है उसमें जाना है और SMS बॉक्स में जाने के बाद से आपको दोस्तों अपने जो SMS बॉक्स का राइट बॉक्स होता है उसमें लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है PIN यानी पिन। पिन लिखने के बाद से आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक स्पेस दे देना है। एक स्पेस देने के बाद से आपको क्या करना है, जो आपकी ATM का ATM कार्ड पे जो नंबर होता है उसमें से जो चार लास्ट नंबर होता है, लास्ट वाला जो चार अंक होगा दोस्तों, उसको क्या करना है आपको लिखना है। ATM कार्ड पे जो चार नंबर यानी अंक होता है उस पर जो अंक आपका ATM कार्ड नंबर रहता है तो वहाँ पे लास्ट वाला जो चार होगा उसी को आपको क्या करना है एंटर करना है यानी लिखना है। पिन के बाद एक स्पेस देना है, स्पेस के बाद से चार अंक ATM कार्ड का रहेगा और उसके बाद से क्या करना है एक स्पेस और देना होगा। स्पेस देने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपकी अकाउंट नंबर है अकाउंट नंबर के चार लास्ट जो नंबर होता है उसमें से चार लास्ट उसका भी नंबर वहां पे लिख दें और इतना लिखने के बाद से आपको क्या करना है, मैसेज किस पे भेजना है वो भी हम बता देने। दोस्तों आपको जो मैसेज होगा आपको फॉरवर्ड करना है 567676, क्या बोले हैं 567676। दोस्तों इस नंबर को कन्फर्म याद कर लें और आपको क्या करना है, जब मैसेज आपके राइट यानी लिख लेते हैं पिन लिखना है, कैपिटल लेटर में स्पेस देना है, अपने ATM का चार अंक लास्ट का जो चार अंक होता है वो लिखना है, फिर स्पेस देना है और अकाउंट का चार अंक लिखना है, अकाउंट नंबर यानी पासबुक में जो होता है उसमें से चार अंक लास्ट वाला लिखना है और लिखने के बाद से आपको सेंड कर देना है 567676। सेंड करने के बाद से दोस्तों आपको एक पिन मिल जाएगा और आपको क्या करना है दोस्तों, आपको दो दिन के अंदर में क्या करना है, आपको किसी भी नियर बाई जो आपका ATM ब्रांच है वहाँ पे जाइएगा और ATM पे क्या कीजिएगा, उस पिन को आप चेंज कर लीजिएगा। आपको पिन तो मिल जाता है लेकिन उसे आप चेंज कर लीजिएगा, वो चेंज इसलिए किया जाता है ताकि आपकी जो मतलब ATM होता है वो सिक्योर हो जाए, आपकी पासवर्ड मतलब बेस्ट रहे और कोई मतलब इलीगल आपके पासवर्ड या ईमेल से कोई खिलवाड़ ना करे। तो दोस्तों आपको जैसे ही मिलेगा तो आपको दो दिन के अंदर में जाना है, ये नहीं कि आपको तुरंत मिला तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास नियर बाई है तो आप तुरंत भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, तुरंत भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है या दूर है मतलब ज़्यादा दूर है तो आप क्या करें, दो दिन का टाइम मिलता है, आप दो दिन के अंदर में आप आराम से जाइए और कभी भी ATM कार्ड यूज करने से पहले ये ध्यान रखें आपके अगल बगल कोई हो ना। और दोस्तों ये बात एक बार और फिर कहना चाहूँगा क्योंकि मतलब जो आपके ATM कार्ड होता है अकाउंट नंबर होता है आपके नंबर होता है किसी भी मतलब
आपके यारों दोस्तों मित्रों कोई भी हो, आप किसी से उसका मतलब कोई भी अंक होता है शेयर ना करें। और दोस्तों आई होप कि ये समझ गए होंगे कि एटीएम पिन को घर बैठे जनरेट कैसे किया जाता है। दोस्तों ये रूल्स बहुत चेंज हो गया है, तो इस तरह आप एटीएम पिन जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।